बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये साबूदाना के कटलेट्स हैं, इसको आप साबूदाना के पकोड़े भी बोल सकते हैं, जिसके लिए मैंने साबूदाना एक रात पहले ही भिगो दिया था। अगर आप इसको ज़्यादा पानी में भिगोएंगे तो इसकी बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। इसके लिए आपको पानी की मेजरमेंट ध्यान से रखनी है। मैंने एक कप साबूदाना लिया है। अब हम यहाँ एक कप से थोड़ा कम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ही खिचड़ी बन जाएगी। ये देखे, इतना हो कि आपका हाथ सिर्फ गीला हो। अब इसको मैं एक रात के लिए भिगो के रख दूँगी। नेक्स्ट डे ये देखें, साबूदाना इस कंडीशन में था। अगर मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला होता, ये बिल्कुल खिचड़ी बन जाना था। अब ये बिल्कुल अलहदा अलहदा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू 3 अदद। इसको मैं मैश कर लूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको रेसिपी की ठीक तरीके से समझ आ सके। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसी नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया। अब इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं छोटे छोटे, आप चाहे तो छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल दे लें, लेकिन मैं इनको टिक्कियों की शक्ल दे रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। टिक्कियाँ बनाते हुए ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक भी दरार ना हो, ये बिल्कुल स्मूथ ऊपर से बनी हो। अगर इसमें दरार होगी तो उसमें ऑयल घुस जाएगा और वो टिक्कियाँ फट जाएंगी। ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लीजिएगा। ये देखें जैसे मैंने की है। अब इनको गरम ऑयल में डालकर फ्राई कर लूँगी। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये एक साइड से फ्राई होने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दस से 15 मिनट में मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लिया है। इसको मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।